ये वैनिला बेस आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 लीटर हमने फुल क्रीम मिल्क लिया है जिसे हमने बॉईल करके ठंडा करके लिया है। 10 टेबलस्पून हमने शुगर लिया है, 4 टेबलस्पून हमने मिल्क पाउडर लिया है, 1.5 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर लिया है और 1.5 टेबलस्पून हमने GMS पाउडर लिया है, 1/8 टीस्पून हमने CMC पाउडर लिया है। ये दोनों पाउडर आपको केक या आइसक्रीम का मटेरियल जहाँ पे मिल जाता है वही शॉप में मिल जाएंगे। तो आइए वनीला बेस्ड आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस ऑन करके उसके ऊपर एक पतीला रख लिया है कि इसमें से थोड़ा दूध हम निकाल लेंगे जिसमें हम सभी पाउडर ऐड कर लेंगे। ये दूध के साथ साथ हम ये शुगर इसमें ऐड करके बॉइल होने देंगे दूध को। जब तक हमारा दूध बॉइल्ड हो रहा है तब तक हम इसी दूध में बाकी के सभी पाउडर्स ऐड करेंगे। ये मिल्क पाउडर है, पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं। इसके साथ में कॉर्नफ्लावर है, ये GMS पाउडर है। सभी चीजें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पूरे सभी जो पाउडर लिए थे उनको अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लिया है। अभी हम ये CMC पाउडर इसमें ऐड करेंगे। CMC पाउडर से हमारा आइसक्रीम मार्केट जैसा फ्लफी और बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम बनता है हमारा। ये देखिए अभी दूध में शुगर पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ये सभी जो हमने मिक्स कर लिए पाउडर ये ऐड करेंगे। इसे 5 मिनट के लिए हम बॉइल होने देंगे। हमारे मिक्सचर को उबाल आ चुका है, फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा करके फ्रीज में रखेंगे। तो पहले हम इसे ठंडा कर लेते हैं। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रात भर इसे सेट होने के लिए रखा था, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अभी हम इसे ये बड़े वाले बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे मैंने 5 मिनट पहले निकाल के लिया था ताकि हम इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर सकें। अभी ये 1/2 कप मलई, ये कप से मैंने मेजर किया है, ये 1/2 कप मलई हम इसमें डालेंगे। आप अमूल का फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। अभी हम इसे बीट करेंगे। इसकी क्वांटिटी धीरे 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 बढ़ती जाएंगी। हम कंटिन्यूअसली इसको बीट करते रहेंगे। ये वीडियो मैं कट नहीं करूंगी, जब तक कि पूरा होता है मैं कंटिन्यूसली आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, जब मैंने लिया था तब आपको दिखाया था 1/2 लीटर मैंने दूध लिया था। अभी ये 2.5 लीटर के आसपास हमारा आइसक्रीम बनके तैयार हुआ है।
क्वांटिटी आप पूरी देख सकते हो। मैं मशीन ऑफ करती हूँ, ये देखिए। अभी हम इसमें ये एक चम्मच वैनिला एसेंस डालेंगे। ये हम वैनिला का पेस्ट तैयार कर रहे हैं, इसलिए वैनिला एसेंस डाल रहे हैं। अब इससे हम थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रीमी बना है, सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी हमारा आइसक्रीम बना है। अभी हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे। आपको अगर अलग अलग फ्लेवर का आइसक्रीम बनाना है तो इसी टाइम आप जो भी मैंगो का आइसक्रीम बनाना है तो मैंगो का पल्प डालिए, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी का पल्प डालिए। इस तरह से आप कौन सा भी आइसक्रीम इसके साथ में बना सकते हैं। अभी हम इसे, ये मेरे पास रेडीमेड आइसक्रीम का ही डब्बा है, इसमें मैं सेट कर रही हूँ। तो प्लेन वैनिला मैं इसमें सेट कर रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसे टैप करके लेंगे। ये हमने आइसक्रीम का बेस इसमें भर लिया है। अभी हम इसे ऐसे बटर पेपर से कवर करेंगे, आप फॉइल से भी कर सकते हो। और अभी हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे। फ्रीज़र में रखना है ऊपर में। ये मेरे पास होममेड मैंगो पल्प है जो मैं इसमें डालती हूँ। ये मैंने 1/3 किया है, आइसक्रीम का जो बेस बना है उसका 1/3 मैंने वैनिला बनाया है, 1/3 मैं मैंगो बनाती हूँ। इसमें हमने मैंगो का पल्प ऐड कर लिया है। अभी हम इसे भी इस टाइप के डब्बे में डाल के बटर पेपर डाल के रखते हैं सेट होने के लिए। पूरे बेस को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। तो पहला हमने वैनिला रखा है, प्लेन वैनिला, दूसरा हमने मैंगो बनाया और तीसरा अब हम ये चॉकलेट बनाने वाले हैं, चॉकलेट आइसक्रीम। पर मैंने इसके लिए चॉकलेट चिप्स नहीं लिए हैं, डार्क चॉकलेट के मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस करके लिए हैं। तो अभी मैं ये इसमें मिक्स कर लेती हूँ। ये अब हम ये तीसरे डब्बे में सेट करेंगे। ये देखिए, ये ऐसा हमारा मिक्सचर अभी तैयार हो चुका है। ये अब इसमें हम डालते हैं सेट होने के लिए। आपको चाहिए तो आप ऊपर से भी थोड़े से चॉकलेट के चिप्स वगैरह डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा 1/2 लीटर दूध से इतने सारे आइसक्रीम तैयार हो चुके हैं। हमने कल 3 फ्लेवर में आइसक्रीम को बनाने के लिए लगाया था। मैं अभी आपको उसका ये निकाल के दिखाती हूँ ऊपर का पेपर। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रीमी, ये मैं क्लोज से दिखाती हूँ। देखिए, बाहर जैसा एकदम क्रीमी और सॉफ्ट आइसक्रीम हमारा तैयार हो चुका है। ये तीसरा वाला चॉकलेट चिप्स, ये भी देखिए नज़दीक से, बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट आइसक्रीम हमारा तैयार हुआ है। अभी मैं इसे सर्विंग बाउल में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये मैंगो का भी ऐसा ही है, बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बना है आइसक्रीम। ये देखिए, हमारे तीनों फ्लेवर्स कितने अच्छे और कितने क्रीमी और सॉफ्ट बने हैं। आप देख सकते हो, ये चॉकलेट चिप फ्लेवर है, ये मैंगो फ्लेवर है और ये प्लेन वैनिला फ्लेवर है। हमारा आइसक्रीम बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो हमारा आइसक्रीम है, ये सिर्फ 1/2 लीटर दूध में हमने बनाया है, तो आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए।